प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में हिमालय की बेटियां पाठ के एमसीक्यू करवाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही उत्तर आएगा नागार्जुन। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन है। नेक्स्ट, इस पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? पहाड़ों की हरियाली का, हिमालय की चोटियों का, हिमालय से निकलने वाली नदियों का, हिमालय की घाटियों का। इसका सही उत्तर आएगा हिमालय से निकलने वाली नदियों का। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियां कहाँ पर अत्यंत शांत और गंभीर लगती है? पहाड़ों पर, मैदानी क्षेत्र में, हिमालय की चोटियों में, जंगलों में। इसका सही उत्तर आएगा मैदानी क्षेत्र में। हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानी क्षेत्र में अत्यंत शांत और गंभीर लगती है। नेक्स्ट, लेखक के मन में इन नदियों के प्रति कैसा भाव है? आदर और श्रद्धा का, अपमान और क्रोध का, निराशा और हताशा का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा आदर और श्रद्धा का। लेखक के मन में इन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव है। नेक्स्ट, लेखक हिमालय की बेटियों की किस छवि से अत्यंत प्रभावित है? मैदान में बहने वाली छवि से, पहाड़ पर बहने वाली छवि से, जंगल में बहने वाली छवि से, बाल लीला वाली छवि से। इसका सही उत्तर आएगा बाल लीला वाली छवि से। लेखक हिमालय की बेटियों की बाल लीला वाली छवि से अत्यंत प्रभावित है। नेक्स्ट, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत को किसके प्रेम का विनिमय देते जाने को कहा था? गंगा नदी के, सिंधु नदी के, बेतवा नदी के, कावेरी नदी के। इसका सही उत्तर आएगा बेतवा नदी के। नेक्स्ट, नदियों को लोक माता किसने कहा है? काका कालेलकर ने, कालिदास ने, नागार्जुन ने, श्याम सुंदर दास ने। इसका सही उत्तर आएगा काका कालेलकर ने। नदियों को लोक माता काका कालेलकर ने कहा है। नेक्स्ट, लेखक इन नदियों को माता से पहले क्या समझता है? सहेली, प्रियसी, केवल एक नदी, बेटियां। इसका सही उत्तर आएगा बेटियां। लेखक इन नदियों को माता से पहले बेटियां समझता है। नेक्स्ट, लेखक ने कहां पर सतलुज के किनारे बैठकर उसके रूप को निहारा था? पंजाब में, नेपाल में, तिब्बत में, कश्मीर में। इसका सही उत्तर आएगा तिब्बत में। लेखक ने तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर उसके रूप को निहारा था। नेक्स्ट, लेखक ने बूढ़ा किसे बताया है? नदियों को, हिमालय को, सागर को, जंगलों को। इसका सही उत्तर आएगा हिमालय को। लेखक ने बूढ़ा हिमालय को बताया है। नेक्स्ट, लेखक नदियों को किन रूपों में देखता है? माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। लेखक नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, बहन, प्रेमिका आदि सभी रूपों में देखता है, इसलिए इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, लेखक ने नदियों की धारा की तुलना किससे की है? माता से, गोद से, हरियाली से, बहन से। इसका सही उत्तर आएगा गोद से। लेखक ने नदियों की धारा की तुलना गोद से की है। नेक्स्ट, कहाँ जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है? सागर में, मैदानों में, जंगलों में, घाटियों में। इसका सही उत्तर आएगा मैदानों में। मैदानों में जाकर नदियों का उछलना कूदना गायब हो जाता है। नेक्स्ट, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की, नदियों की, हिमालय के सौंदर्य की, उपयुक्त सभी की। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी की। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की, नदियों की, हिमालय के सौंदर्य की प्रशंसा की है, इसलिए इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसका प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है? सागर का, आकाश का, जंगलों का, हिमालय का। इसका सही उत्तर आएगा हिमालय का। हिमालय का प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त है। नेक्स्ट, कालिदास किस भाषा के कवि थे? हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के, पंजाबी के। इसका सही उत्तर आएगा संस्कृत के। कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। नेक्स्ट,
सागर का ससुर किसे कहा गया है? हिमालय को, पहाड़ों को, जंगलों को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा हिमालय को। सागर का ससुर किसे कहा गया है? हिमालय को। हिमालय को ससुर और सागर को दामाद कहा गया है। नेक्स्ट, हिमालय की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? जंगलों ने, मैदानों ने, सागर ने, फूलों ने। इसका सही उत्तर आएगा सागर ने। हिमालय की बेटियों का हाथ किसने पकड़ा है? सागर ने पकड़ा है। नेक्स्ट, निकेतन का क्या अर्थ है? चोटियां, घर, जंगल, घाटियां। इसका सही उत्तर आएगा घर। निकेतन का अर्थ है घर। नेक्स्ट, उपत्यकाए का क्या अर्थ है? चोटियां, घर, जंगल, घाटियां। इसका सही उत्तर आएगा चोटियां। उपत्यकाए का अर्थ है चोटियां। दैट्स ऑल।